फ्रेंड्स, वंदे भारत मिशन 5 में एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी नई फ्लाइटों की उड़ान विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक शुरू कर रही है, जिसकी बुकिंग अभी भी चालू है। अगर आपने अपनी फ्लाइट की बुकिंग नहीं की है तो आप अभी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर जाकर इन टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी जानकारी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से दी है कि इन फ्लाइटों की बुकिंग अभी भी चालू है। तो हम आपको आगे इस वीडियो में 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें किन किन देशों से भारत के किन किन राज्यों में उड़ने वाली है और उसका टाइम शेड्यूल, उसकी डेट, पूरी डिटेल दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें, ताकि आपको अगर नहीं पता है कि आपकी कंट्री से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटें कब से ऑपरेट हो रही है तो आपको ये पता लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 16 अगस्त से एयर इंडिया एक्सप्रेस अबू धाबी, दुबई, दोहा, शारजा, बहरीन और सिंगापुर से अपनी उड़ानें शुरू कर रही है, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में जा रही है। इस स्क्रीन पर आपको इसका डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम और एयर इंडिया की फ्लाइट का नंबर भी दिख रहा होगा। इसी तरीके से 17 अगस्त की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पूरी लिस्ट दी गई है। आप वीडियो को बीच में रोककर इसकी डिटेल नोट कर सकते हैं कि आप जिस कंट्री में हैं वहाँ से एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी कब से फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और आप जिस कंट्री में फंसे हुए हैं वहाँ से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइटें कब से ऑपरेट हो रही है उसकी डिटेल भी नोट कर ली होगी। तो आप अभी जाकर इन फ्लाइटों की बुकिंग कीजिए, क्योंकि अभी भी टिकट की बुकिंग हो रही है, जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर खुली है।